अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल आफ्ताब सानी, मैं हूँ आफ्ताब। आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो है वो, जैसा कि शॉपिंग्स आप देख लें ऑनलाइन हो चुकी हैं, ऑनलाइन मार्केट्स आपको जो है हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाती है। आप एक क्लिक के ऊपर कोई भी चीज़ घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो चुका है दुनिया में। दुनिया इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। तो आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी कि अब ऑनलाइन की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है दुनिया में और पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल चुकी है। टॉप पे जो आपने देखा है वो सबसे टॉप पे जा रहा है अमेजोन। अमेजोन का जो बिजनेस है जिसके ऊपर लोग बैठ के स्टोर बनाते हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब यूट्यूब ने कहा कि हम भी पीछे नहीं रहना चाहते, तो अब यूट्यूब ने जो है वो फीचर अपने यूट्यूब के अंदर ऐड कर दिया है। किन के लिए? आप लोगों के लिए, आप क्रिएटर्स के लिए जो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, जो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अर्निंग कर चुके हैं। अब यूट्यूब ये चाहता है कि अब ऑलरेडी हम ऑलरेडी जो लोग यूट्यूब के ऊपर अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब चाहता है कि वो और मजीद अर्निंग करें। कैसे करें? YouTube ने एक नया फीचर ऐड कर दिया है। आज हम उस फीचर को जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। YouTube ने जो नया फीचर ऐड किया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले बता दूं। वो फीचर ये है कि आप अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। आपका अगर ऑलरेडी स्टोर बना हुआ है तो वो आप YouTube के साथ अटैच कर सकते हैं। अपनी वीडियोस में वो टैग्स, आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप टैग्स की सूरत में लगा सकते हैं। आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट है, आपका स्टोर बना हुआ है और आपने उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं, जैसे अमेजोन के ऊपर करते हैं, आप प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देते हैं तो आपको ऑर्डर आ जाता है। इसी तरह यूट्यूब ने कहा कि भी हम क्यों ना हम इस फील्ड में हम पीछे क्यों रह जाएं, हम भी आप लोगों को सहूलियात देते हैं यूट्यूब क्रिएटर्स को। तो यूट्यूब ने कहा कि हम ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने का आपको जो है ना वो एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जिसपे आप अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करें और यूट्यूब के साथ अटैच कर दें। आपका जो चैनल है, जो आपकी वीडियोज हैं उसमें जो है वो आप अपना अटैच कर देंगे स्टोर, और उस वीडियोज में आपके जैसे एड चलते हैं इसी तरह जो है वो आपकी प्रोडक्ट भी चलेगी। YouTube शॉर्ट्स में भी आप लगा सकते हैं, YouTube लॉन्ग वीडियोस में भी चला सकते हैं। अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हैं और क्राइटेरिया देखने की कोशिश करते हैं कि YouTube ने क्राइटेरिया क्या रखा है। अच्छा, अभी हम आ चुके हैं चैनल मोनेटाइजेशन में। आप सबसे पहले जाएंगे चैनल के मोनेटाइजेशन पेज के ऊपर, जो अर्निंग का टैब होता है मोनेटाइजेशन का, उसमें आप जाते हैं। देखना है लास्ट पे जो है एंड पे शो हो रहा है वो है शॉपिंग, देख सकते हैं आप। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब आगे क्या कहता है? वो कहता है कि एड प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर स्टोर। वो कहता है यूट्यूब के आपने जो स्टोर बनाया है उसको आप कनेक्ट करें और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने वीडियोस में अपने चैनल पे ऐड करें। नेक्स्ट स्टोर पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टोर में हम जाएंगे तो अभी आगे आपको वो तीन स्टोर बता रहा है, एक शॉपिफाई एड शॉप है और एक स्प्रिंग है। तीनों जो है वो एक मेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जो है वो बिजनेस का हब है, ठीक है, स्टोर है। तो इनमें से आप कोई भी स्टोर जहाँ पे आपका स्टोर ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको कनेक्ट कर सकते हैं। इस एक ऊपर क्लिक करके आप कंटिन्यू पे जाते हैं, ठीक है। कंटिन्यू के बाद जो है वो आगे फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस मांगेगा। टर्म एंड कंडीशंस से पहले जो है हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर बैक जाएंगे। हम सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं कैंसल, सॉरी कैंसल नहीं करते, हम जो है ना वो लर्न मोर पे जाते हैं। अब शॉपिफाई है, शॉपिफाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर, जब आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्टोर आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो स्टोर ओपन हो जाएगा, अब हम वापस दोबारा जाते हैं, ठीक है। इसको दोबारा दूसरे स्टोर पे जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाले में क्या है जी, लास्ट वाले में भी हम इस पे क्लिक कर लेते हैं तो ये जो है वो लास्ट वाला आपका ये भी स्टोर इसी तरह ओपन हो गया। अब ये चीज आपकी ओपन हो जाएगी और आगे आपका जो स्टोर बना होगा तो वो अटैच हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम जो असल जो चीज है वो जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हम कहते हैं कि जी हमें सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि हम कौन सा क्राइटेरिया है जिसपे हम प्रूव करते हैं और हम एलिजिबल हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपका स्टोर नहीं है तो आप इस पे क्लिक कर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। असल चीज ये है कि हम चाहते हैं, जो हम इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो ये है कि उसमें ये हम ये चीजें देख लेते हैं, हम टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं, हम पॉलिसीज देख लेते हैं, ठीक है। तो मेन मेन जो चीज है वो ये है कि हम मेन मेन चीज देख लेते हैं। ये तो ऊपर एक तहरीर है सारी, आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, आप किस तरह जो है वो कर सकते हैं, आप कौन कौन से फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो ऐड हैं वो प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल स्टोर आप ये यूट्यूब शॉपिंग फीचर्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन से फीचर्स इंक्लूड है, आपका जो स्टोर है, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो आप एंड इन द एंड ऑफ स्क्रीन ऑफ वीडियोस, जैसे आप अपनी वीडियो के एंड पे वो लगाते हैं, दूसरी वीडियोस लगाते हैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए, तो वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे आप लगा सकते हैं। टैग्स आप लगा सकते हैं, टैग्स प्रोडक्ट्स इन योर वीडियोस एंड लाइव स्ट्रीम, आप अगर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को टैग कर सकते हैं। अच्छा, पिंड कर सकते हैं प्रोडक्ट को,
आप अगर लाइव चैट कर रहे हैं तो उसमें आप पिंस कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोट प्रोडक्ट फ्रॉम अदर ब्रांड्स, आप किसी दूसरे ब्रांड से की प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हैं। वो क्या कहता है कि अब इसके लिए जो आप क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, वो क्राइटेरिया क्या है, प्रमोट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर ब्रांड्स दैट आर फीचर्ड इन योर कंटेंट, यू मस्ट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक कर लेते हैं, चीजें देख लेते हैं आगे कि जी वो हम जो है हमारा चैनल एलिजिबल है तो वो कैसे, ठीक है। अब इसमें जो है वो बहुत सारी डिटेल्स आ रही है, ठीक है। इसमें यूट्यूब ने जो है वो खुद को भी बाहर निकाल दिया है, और एडसेंस भी इस चीज में आपका वो पेमेंट का जो है वो नहीं होगा, ये डायरेक्टली आपका स्टोर जो है वो जिस स्टोर पे आपका अकाउंट है उस स्टोर पे आप जो है मैनेज करेंगे सारी चीजें, ठीक है। ये चीजें आप बेशक पढ़ सकते हैं, ठीक है। फीचर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर ब्रांड्स, ठीक है। उसके बाद फीचर प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर ओन स्टोर, ठीक है, क्या चीज है, मर्चेंडाइजिंग है, वेयर हाउसिंग है, ऑर्डर फुलफिलमेंट है, रिफंड्स है, कस्टमर सर्विस है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, सारी इसमें डिटेल है, जैसे अमेजोन में फिलिंग द ऑर्डर है, शिपिंग है, पेमेंट है, ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद हम एक और चीज देखने की कोशिश करते हैं, प्रमोट चैनल एलिजिबिलिटी टू प्रमोट यूर ओन प्रोडक्ट्स, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसमें वो सारी चीजें आपको बता देता है कि जी आप कौन से कंट्री में जो है वो एलिजिबल है और कौन से कंट्री में एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसमें ये चीजें आप रीड आउट कर सकते हैं, आप अपने चैनल पे विजिट करें, वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें हम ये चीज देख लेते हैं कि एक तो 1000 सब्सक्राइबर का वो बता रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि यूर चैनल ऑडियंस इज नॉट सेट एज मेड फॉर किड्स एंड यूर चैनल डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वीडियो सेट एज मेड फॉर किड्स। वो ये कह रहा है कि जी इसमें आप कोई भी कुछ वीडियोस आप जो मैन मेड फॉर किड्स है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो है ना उसमें आपने ये देख लेना है कि यूर चैनल ऑडियंस इज नॉट सेट एज मेड फॉर यूर चैनल डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वीडियोस दैट वायलेट आवर चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जो है उसको वायलेट नहीं करता, नहीं करना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का जो है वो आपका मतलब जो पहले यूट्यूब की वो सारी टर्म एंड कंडीशन है वो लागू, ठीक है। ये आप फीचर सारे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम क्या देख लेते हैं, हम जो है वो कनेक्ट यूर स्टोर। नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि प्रमोट यूर ओन प्रोडक्ट्स अक्रॉस यूट्यूब, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं यूट्यूब के। अच्छा, ये मेन चीज है, आप बेशक अपने चैनल पे जाके रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। Viewers in these locations can browse and buy your own products across these surfaces and your channel store in end screen, ठीक है, in product shelf or overlay below your videos and live streams as a pinned product in live streams। ये सारी चीजें YouTube में बता दी हैं कि आप अपने किस तरह जो है वो अपने चैनल को स्टोर को जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल YouTube ने इसके अंदर आपको इजीली बता दी। अच्छा, फिलहाल इसमें जो मेन चीज आप लोगों ने देखनी है वो क्या है, एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी में क्या है, सबसे पहले तो वो कह रहा है कि जी आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, और इसमें 2-3 कंट्रीज उन्होंने मेंशन कर दिए, ब्राजील है, ठीक है, इंडिया है, यूनाइटेड किंगडम है, और द यूनाइटेड स्टेट्स है। ये कंट्रीज हैं जिनमें आप अभी ये चीजें आप एलिजिबल हैं, और आप ये चीज अपनी कर सकते हैं, अपना स्टोर कनेक्ट कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में फिलहाल नहीं है। आगे वो कहता है कि आपके 20,000 तक सब्सक्राइबर भी होने चाहिए, ठीक है। आपका जो चैनल है वो म्यूजिक वाला चैनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज भी आपने खास ख्याल रखनी है, जैसे म्यूजिक के चैनल लोग बना लेते हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। ये मेन चीज है जो एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया। बहुत ही जबरदस्त फीचर ऐड किया है यूट्यूब ने। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब वो क्रिएटर्स को कितना पैसा जनरेट करके देता है एड्स के जरिए। आप एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं तो आप यूट्यूब के जरिए कितना पैसा कमाते हैं। अब यूट्यूब ने जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त फीचर ऐड किया है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने चैनल पे जाके ये चीज देख सकते हैं, पूरी इसकी जो है वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वो आउट स्टडी कर सकते हैं कौन कौन एलिजिबल है, और आप अपना स्टोर कनेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह ने के बाद